अब दोस्तों हम अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने पहले फर्स्ट हमने देखा था अपना डेटा क्रिएट डेटाबेस क्रिएट किया था, उस सेकंड में हमने देखा था अपने डेटाबेस को यूज किया था जिसमें हमारा डेटाबेस था माय डेटा। और अब हम देखेंगे दोस्तों कि अपने माय डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों क्रिएट टेबल माय। ओके दोस्तों, मैं अपनी टेबल का नाम दे देता हूं न्यू टेबल और एक एंटर मारूंगा, ओपन ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, फिर हमारा एक एंटर मारेंगे, उसके बाद हम देंगे दोस्तों स्टूडेंट रोल नंबर STUD। जो कि हमारा इसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर और कैरेक्टर रहेंगे 5, यानी कि। और नेक्स्ट हम देंगे अपना नेम, नेम देंगे, नेम हमारा वार कैर में आएगा दोस्तों। और इसका जो कैरेक्टर देंगे हम दोस्तों इसमें दे देंगे 50। नेक्स्ट हमारा आएगा दोस्तों एड्रेस, ये हमारा टेक्स्ट में रहेगा इसका डेटा टाइप, कॉमा लगाएंगे एंटर। और नेक्स्ट आएगा दोस्तों हमारा डेट ऑफ बर्थ, इसका डेटा टाइप दोस्तों डेट रहेगा, कॉमा लगाएंगे एंटर करेंगे। इसके बाद आएगा दोस्तों हमारा फीस, ले लेते हैं फीस DC, और इसका जो डेटा टाइप हमने लिया है DC ओपन ब्रैकेट 10 पॉइंट नहीं सॉरी कॉमा 2 ओपन ब्रैकेट बंद और एक एंटर लगाएंगे। यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे दोस्तों। और अपनी क्वेरी जो हमने लिखी है इसको सेलेक्ट करके चलाएंगे। देखिए हमारी क्वेरी चल चुकी है दोस्तों, अब देखते हैं क्या हमने अपनी टेबल क्रिएट की या नहीं। चलिए देखते हैं। एक बार रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, रिफ्रेश हमने कर दिया, टेबल पे जाएंगे और इसको हम देखते हैं दोस्तों डिस्क्राइब के ऑप्शन से। तो यहाँ पे हम एक क्वेरी चलाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम चलाएंगे दोस्तों DESC, और यहाँ पे अपनी टेबल का नाम लिखना दोस्तों। हमारी टेबल का नाम था न्यू टेबल, सेमी कॉलन लगाया, इसको सेलेक्ट करा और चलाया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी टेबल का फॉर्मेट आ गया है जो हमने टेबल बनाई थी। अभी इसके अंदर वैल्यू हम डालेंगे, फिलहाल आप देखिए हमने जो टेबल बनाई थी स्टूडेंट आईडी नेम एड्रेस बर्थ ऑफ डेट और फीस, ये हमारी आ गई है। और इसका जो डेटा टाइप देख लीजिए इंटीजर वेरकैर टैक्स डेटा डेसिमल, और ये नल यस है, कोई की वगैरह भी नहीं दी है, ये हम बाद में देखेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और दोस्तों हमें जब भी अपनी कोई टेबल देखनी होगी तो उसके लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे शो टेबल और सेमी कोलन, और उसके बाद हम इसको चलाएंगे। तो देखिए हमारे डेटाबेस में एक ही टेबल है अभी न्यू टेबल के नाम से, वो शो हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।